सकते हो, लेकिन हमारे देश में ऐसा होता है, हमारे इंट्रिंसिकली हमारे ऐसे ऐसे समाज में है कि हम अलग बर्तन रखेंगे हमारे डोमेस्टिक हेल्थ के लिए। ये सिर्फ इंडिया में होता है और कहीं नहीं होता, सिर्फ इंडिया में होता है, और हम शायद मील शेयर नहीं करते अपने शॉफों के साथ। ये हम US जाएंगे तो कर लेंगे, तो इट ओनली हैपन्स इन इंडिया। तो ये क्लास डिवाइड को हमें धीरे धीरे मिटाना है, इसको वक्त लगेगा, लेकिन हाँ इस बारे में सोचना मैंने शुरू किया है, वैसे ही बाकी लोग शुरू करेंगे सोचना। आयुष्मान, अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें तो जो भी फिल्में बनती हैं कॉप्स को लेकर, कॉप ड्रामा जो होता है वो बिल्कुल रियलिस्टिक रूटेड नहीं होता है, वो एक फन कैरेक्टर होता है, कॉमिक कैरेक्टर होता है, उसमें कोई डिटेलिंग नहीं होती है, बैकग्राउंड नहीं होता है, ऐसी ही होती है फिल्में। लेकिन जब आप इस तरह का एक रियलिस्टिक किरदार कर रहे थे, तो मेरा सवाल यह है कि अगर रियलिस्टिक फिल्मों की बात की जाए कॉप ड्रामा की, तो मुझे अर्धसत्य याद आती है ओमपुरी की, जो लगता है कि हाँ भाई सुपर हीरो नहीं है, कॉप है, उसके अपने भी प्रॉब्लम्स है। आपकी नज़र में ऐसी कौन सी फिल्में हैं जो जिससे आप इंस्पायर्ड हुए, अगर कॉप ड्रामा की बात की जाए? ये ऐसा है कि हर एक फिल्म का एक मकसद अलग होता है, हर एक की एस्पिरेशन अलग होती है। जो आप जिन फिल्मों की बात कर रहे हैं, वो फिल्में मुझे देख के मज़ा आता है, मुझे दबंग, सिंघम देख के बहुत मज़ा आता है, सिम्बा देख के मज़ा आता है, कि उनका मकसद है कॉमेडी, एंटरटेनमेंट। यहाँ पर उसके थोड़ा सा मकसद है कि एक सोशल मैसेज भी दिया जा रहा है, तो इस फिल्म की टोनैलिटी अलग है, जॉनर अलग है। और जहाँ तक कि आपका सवाल है कि फिल्म में, आप दोबारा रिपीट कीजिए। हाँ, कौन सी फिल्म में? हाँ, मुझे सरफरोश देख के बहुत अच्छा लगा था, आमिर सर को, और जंजीर में बच्चन साहब को देख के अच्छा लगा था। शूल फिल्म आई थी, उसमें मनोज सर थे, उनको देख के अच्छा लगा था। तो ये फिल्में हैं जिनको देख के इंस्पायर होता हूँ एज कॉप ड्रामा। एक छोटा सा सवाल कि आप बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करें, बधाई हो, इतनी बड़ी हिट हुई थी जी, अब ये फिल्म आ रही है, ड्रीम गर्ल कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो अगली फिल्म आने वाली है बाला, उसको लेके कंट्रोवर्सी हुई है और हाईकोर्ट में मैटर चल रहा है, उसको कुछ बोलना चाहिए? आई थिंक अभी तक सब जुडिस है केस, वहाँ पे चल रहा है, और इतना बोला जाता हूँ कि हम इनोसेंट हैं बिल्कुल, आप देख लेंगे क्या उसका रिजल्ट है। आयुष्मान, और आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, एक अच्छी चीज देखने को मिली अंदर, इंडिया पाकिस्तान के मैच का आपने एग्जांपल लिया और बहुत अच्छा एक प्रोमो बनाया, ये आइडिया कहाँ से आया? मार्केटिंग टीम है हमारी, कहाँ गई? ट्रिगर हैप्पी वाले, हाँ, इसीलिए उनका ये आइडिया था। तो वो बात हो रही थी कि उसका लेके कुछ करते हैं, और वो एक्चुअली वो सच भी है ना, कि जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उस दिन अपन एक हो जाते हैं। तुम जात पात की बात ही नहीं करते? कोई जात पात डिस्कस नहीं होती, बोले इंडिया इंडिया इंडिया, तो इसका मतलब वो हमारे अंदर है वो DNA। तो मतलब क्रिकेट से अगर हम एक हो सकते हैं, तो क्या फिल्म के जरिए भी हम एक हो सकते हैं? प्यार से एक हो सकते हैं, वो फिल्म करा दे एक, क्रिकेट एक करा दे, कोई भी करा दे, सब प्यार से रहे, सब एक दूसरे को सम्मान दे। क्रिकेट सिनेमा दो ऐसी चीजें हैं, हाँ, धर्म ही है ना, कोई जात पात नहीं है यहाँ पे। हम अपनी क्रू में, कास्ट क्रू में कोई पूछता नहीं आप कौन सी जात से हैं, और क्रिकेट खेलते हुए कोई पूछता नहीं, जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको देखते हैं, ताली बजाते हैं और इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और वैसे ही होना चाहिए। एक तो लास्ट मैच जो रद्द हुआ उसे देख के बहुत सब दुखी है कि ये क्या हो रहा है, मतलब बारिशों की वजह से इतना बड़ा इवेंट जो है उसमें हमें फैंस जो हम जैसे हैं वो देख के वंचे चले जाते हैं। लेकिन आई थिंक जो कल का मैच है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा देखकर बहुत मजा आता है। बाय द वे हम दोनों कल काम कर रहे हैं। हाँ, छुट्टी नहीं है हमारी। टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग नैना, ये आज जिसको दिखाया गया, यू नो YouTube पर बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमें ओल्ड फिल्म्स की याद दिलाता है ये सॉन्ग, तो जब आप शूट कर रहे थे तो कितना आपको लगा कि यू नो ये ओल्ड वर्ल्ड चार्म है इस गाने के अंदर, वो चाहे उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है जैसे दिखाया गया है, और पहली बार मुझे एक कॉप के जरिए रोमांस भी करना था जो मैं पहले कभी नहीं किया है, सो इट वाज एक्साइटिंग फॉर मी। और रैप सॉन्ग भी बहुत कमाल निकल गया है, वो ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा था, तो वो यूथ को आपने कनेक्ट करने के लिए वो गाना बनाया है? वो बिलीफ सिस्टम ये है यार कि देश को जो बदलेंगे लोग ना, जो इस किस्म की पुरानी समस्याओं का समाधान निकालेंगे वो यंगस्टर होगा, तो उससे बात की जाए, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स इस फिल्म को देखें और इससे कनेक्ट करें, बिकॉज वो लोग चेंज करने वाले हैं देश को, वो नया भारत बनाएंगे। हमारे देश की जो एवरेज एज है वो 28 वर्ष है, तो हमारा देश बहुत यंग है, और ओपिनियन लीडर्स जो है हमारे देश के यूथ ही हैं, तो यूथ ही बदल सकते हैं हमारे देश को, और कोई नहीं बदल सकता। इसलिए हमारा आज से बना तो यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो यूथ की आवाज़ है, जितने भी हमारे रैपर्स उसके अंदर हैं उन्होंने खुद लिखा है, बहुत हार्ड हिटिंग रैप लिखा है, और बिल्कुल आपको टच करता है, यहाँ पर चीर के चला जाता है, तो यही इस फिल्म का मकसद भी है।
आयुष्मान एक आवेग हटके सवाल है, सीनियर सिटीजन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देश में काफी घटनाएं घट रही है, सीनियर सिटीजन को छोड़ जाते हैं, माँ बाप को छोड़ जाते हैं आश्रम में, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये थोड़ा मुद्दे से हटके सवाल है, लेकिन बोल देते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि हमारा ये क्या बता सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है ज़िंदगी में। पर यही है कि अगर आप जब आप छोटे थे जैसे आपके माँ बाप ने आपको ट्रीट किया है, बड़े होकर आपको अपने माँ बाप को वैसे ट्रीट करें, वो भी बच्चे हो जाते हैं उसके बाद, तो ये आपको भूलना नहीं चाहिए। किताब लिख दूँ पूरी देश के मुद्दों पे। थैंक यू, जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।